नमस्कार आदाब नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली ख़ान आप सबका तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बढ़ती खिलाफ वर्जी और बेगुनाह अफराद की जबरन अगवाकारी को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी बदहाली पर खसूसी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। UNHRC में कश्मीरी राग पर पाकिस्तान को भारत ने फिर किया शर्मसार। पाकिस्तान में जरूरी दवाइयों की कीमतों में भारी इजाफे पर मचा हाहाकार। और मरियम नवाज ने जिमनी चुनावों में धांधलियों पर एजेंसियों को ठहराया कसूरवार। सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर का और जायजा लेते हैं UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 46वें सालाना इजलास में अलापे गए कश्मीरी राग को लेकर पाकिस्तान की हुई शदीद फजीहत का। UNHRC के इजलास में भारत की नुमाइंदा सीमा पुजानी ने राइट टू रिप्लाई में जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और अकलियती फ़िरकों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को आईना दिखाकर पूरी आलमी बिरादरी में शर्मसार कर दिया। जवान आज यहाँ पे मौजूद हैं, आपके लिए एक इंस्पिरेशन बुरहान वानी। वो क्यों? उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और वो तमाम माए बहने जो लाजवाब कुर्बानियां दे रहे हैं, आज उनकी नजरें पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे, कश्मीर कमेटी पे और आप और इस कौम और पाकिस्तानी कौम के जवानों पे और बच्चे और बच्चियों पर पड़ी हुई है। आज बहुत रोना धोना कर लिया, बहुत मुख्तलिफ ऐवानों में अपनी माजी और कुर्बानियां और तमाम जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें बताते बताते थक गए, लेकिन दुनिया ने हमारी बात उस लेवल पे नहीं सुनी। जिस पाकिस्तान के हुक्मरानों की पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और बदअमनी की आग भड़काना रियासती पॉलिसी हो, उस पाकिस्तान के हुक्मरानों का बैन-उल-अक़वामी बिरादरी में रुसवाई और तन्हाई से दोचार होना लाजमी है। ये सच्चाई UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जनेवा में मुनाकिदा 46वें इजलास के दौरान सामने आई। हस्बे दस्तूर पाकिस्तान की जानिब से इस इजलास में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा गया, लेकिन भारत की सेकंड सेक्रेटरी सीमा पुजानी ने UNHRC के इजलास में राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तानी नुमाइंदे को भारत के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी से बाज आने की वार्निंग देते हुए पूरी आलमी बिरादरी को जमीनी हकायक से बाबर कराया। India is exercising its right of reply in response to the statement by representative of Pakistan during the high level segment. We reiterate that the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. The steps taken by the government to ensure good governance and development in these union territories are our internal matters. Duniya ke sabse bade jamhuri aur secular mulk Bharat samet digar muhajjab mamalik mein akliyati firqon ke huquq ki duhai dene wale Pakistan mein akliyati firqon ko jis qadar aaye roz zulm o ziyatiyon ka shikar banaya ja raha hai, उससे पूरी आलमी बिरादरी बखूबी वाकिफ हो चुकी है। यही वजह रही कि UNHRC के इजलास में भारतीय सेक्रेटरी सीमा पुजानी ने पाकिस्तान में अकलियती फिरकों के मजहबी मकामात पर खुलेआम हो रहे हमलों और अकलियतों की नाबालिग लड़कियों को अगवा बराए जबरन निकाह के मजहब तब्दील पर मजबूर किए जाने के इंसानियत सोज वाकयात पर खूब आईना दिखाया। And persecution faced by Pakistan's minorities, including Christians, Sikhs, and Hindus, has continued unabated. There have been frequent attacks on the places of worship of minority communities, a grave violation of their right to freedom of religion and belief. The condition of women belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दों की पोशपनाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों और पश्तूनों की जबरन अगवाकारी और उन्हें खुफिया टॉर्चर सेलों में माबराए अदालत कत्ल करके मशक शुदा लाशें जंगलों में फेंके जाने के
इंसानियत सोज वाकयात का भी हवाला दिया। सीमा पुजानी ने UNHRC के इजलास में, यही नहीं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जुल्म ज्यादतियों खिलाफ आवाज उठाने वाले नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के सीनियर लीडर और मारूफ इंसानी हकूक कारकुन इदरीस खट्टर को स्वाबी से जबरन अगवा करके लापता किए जाने के वाक्य को पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक बताया सीमा पुजानी ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हकूक के आलमी इदारों को पाकिस्तान में जबरन अगवा शुदा लापता अफराद के बारे मालूमात फराहम कराने वाले इदरीस खट्टर को बरतानवी एजेंट बताकर पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है। In September 2020, UN human rights experts condemned the enforced disappearance of Idris Khattak, a former consultant with Amnesty International and Human Rights Watch. Mr. Khattak had himself worked on reports on enforced disappearances in Pakistan's federally administered tribal areas before disappearing himself. Pakistan mein Amerikee sahafi Daniel Pearl ko qatl karne wale Umar Sheikh samet deegar mujrimon ko Supreme Court ki janib se rihaa kiye jaane ko Jungle Raj ki badtareen misaal और दहशतगर्दों की पुष्पनाई की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बताया। UNHRC के सालाना इजलास में भारत की सेकंड सेक्रेटरी सीमा पुजानी ने, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरकारी पुष्पनाई का ही नतीजा है कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पेरिस में हुए हालिया 3 रोजा इजलास के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से साफ इनकार ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए जून तक का आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। FATF ने अपने फैसले में कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस की पाबंदी वाले दहशतगर्दों के खिलाफ तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। ताहम पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से बचने और FATF के दहशतगर्दी के खिलाफ 27 नुकाती एजेंडे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए जून तक आखिरी मोहलत दी गई है। अब बात पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और माशी बदहाली के आलम में महंगाई में हो रहे मुसलसल इजाफे की। पाकिस्तानी इकतदार पर काबिज होने से कबल बैरूनी कर्जा लेने पर खुदकुशी करने के बुलंदोबांग दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने IMF से रिकॉर्ड तोड़ कर्जा लिया। नतीजतन इमरान खान हुकूमत को अब IMF की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान में आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस जैसी बुनियादी ज़रूरियात की नरखों में बेतहाशा इजाफा करना पड़ रहा है। ताहम इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान में दवासाज कंपनियों को ज़रूरी दवाइयों की कीमतें बढ़ाने की खुली छूट देकर गरीबों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत एक तरफ गुरबत हटाओ मुहिम चलाने और गरीबों को इंसाफ सेहत कार्ड के तहत 7,20,000 रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलियत देने के फरेबी वायदे कर रही है, दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में दवा साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में मनमाना इजाफा करने की मंजूरी देकर माली बदहाली से दो चार गरीबों को इलाज मुआवजे तक से महरूम कर दिया है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ लोगों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। ये जाहिरी सी बात है, अगर वापस पुरानी कीमतों पे आ जाएगी, हर बंदा जितनी प्राइस इन्होंने बढ़ा दी है, कॉस्ट से बाहर हो रही है, हर बंदा नहीं परचेज कर सकता। एक टैबलेट की प्राइस थी 18 रुपये, उसकी प्राइस हो गई है एक हफ्ते के अंदर 58 रुपीज़। अब वो कौन बंदा खाएगा? हम तो बस यही कहेंगे कि देखें कि एक गरीब आदमी है ना, अगर ठीक है, अगर वो 1,000 मेडिसिन 1,000 रुपये खर्च करेगा ना, अगर उसने 1,000 रुपये कमाने के लिए सारा दिन सुबह से लेकर रात तक उससे मशक्कत करनी है, और सुबह जब वो निकलेगा शाम तक पहुँचेगा 1,000 तो वो कमा के घर लेके जाएगा, ठीक है। अगर 1,000 की वो मेडिसिन आ जाएगी तो उसमें वो घर में क्या खाएगा और मेडिसिन में क्या लेगा? उससे जाहिर बात है उसका जो मरीज है वो मरने पर एंड पे चला जाएगा। ये एहतजाजी मनाजिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के। क्वेटा समेत पूरे बलूचिस्तान में मेडिसिन यानी अद्वियात की कीमतों में भारी इजाफे को लेकर शटर डाउन हड़तालें की गयी और क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के सामने बलूचिस्तान की ताजिर तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाजी धरना तक दिया गया। मेडिकल स्टेशन वालों का और इनका साथियों का कि उसने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और इस दवाई का बायकॉट कर दिया,
जिसने 500 सौ के बजाय 500 400 रुपए इसने महंगा किया है। तो ये बलूचिस्तान की तरफ से तमाम बलूचिस्तान के मेडिकल स्टेशन वालों ने इसका बायकॉट कर दिया। आज से इसका बायकॉट है तमाम बलूचिस्तान में। ये बहुत अच्छा इकदाम है। मीडिया वालों से हमारा अपील है कि इनको बेहतरीन से बेहतरीन कवरेज किया दी जाए, क्योंकि ये तमाम गरीब आवाम का मसला है, तमाम ताजर बिरादरी का मसला है, तमाम मेडिकल स्टेशन का मसला है। ऑल बलूचिस्तान मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन, ऑल बलूचिस्तान मेडिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन और अंजुमन ताजिरान के मुश्तरका धरने में शामिल कारोबारियों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत एक तरफ पाकिस्तान में तब्दीली और गरीबों की फलाहो बहबूद के दावे कर रही है, दूसरी तरफ बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनुआत की कीमतों में भारी इजाफा करने के अलावा अब गरीबों का जिंदगी जीना और मरना दोनों इलाज मुआवजे के बुनियादी हक तक से महरूम रखने की साजिशें कर रही है। कल दवाई का कीमत 140 रुपए, आज दवाई का कीमत 490 रुपए, कल एक दवाई की कीमत 83 रुपए, आज 187 रुपए। मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत ने आत पे रख कर सब ठीक है वो नारा लाप रही है कि सब ठीक है। कहाँ है हमारा सूबाई वजीर सेहत? खुदा रा इन लोगों को कंट्रोल कीजिए, इन कंपनियों वालों को, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अंजुमन ताजिरान के सरबराह अब्दुल रहीम काकड़ ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में हुकूमत या कानून महज बराए नाम है। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का मुतवाजी निजाम और जंगल रात चलता है, इसलिए बलूचिस्तान में बासर कुव्वते गरीब बलोचों का जबरन इस्तेहसाल करना पैदाइशी हक मानती है। हमारे इस बदनसीब सूबे में, फिर हमारे इस बदनसीब शहर में कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जो आया जो गया, जिसने जो किया कर लिया। ये कंपनियों वालों ने तो आप यकीन जानो गरीबों का, आवाम का, हमारे मेडिसिन वालों का, हमारे मेडिकल वालों का कमर ही तोड़ दिया। हमारे साथी कहते हैं, ये एक बात आप नोट कर ले, हमारे मेडिकल एसोसिएशन वाले और हमारे मेडिसिन वाले कहते कि जब हम ग्राहक को, कस्टमर को दवाइयां देते तो कसम से हमें शर्म आती है कि हम कीमत बोलते हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखा था और क्वेटा में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात की माली मदद से तामीर होने वाले कार्डियक हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखने के बाद सीपेक व ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों की मुखालफत छोड़ने पर बलूचिस्तान के लोगों को तरक्की और खुशहाली देने के दावे किए गए, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने वायदों के बरक्स जरूरी अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर मुआशी बदहाली से दो चार बलोचों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट जिले के दसका कस्बे का, जहां ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली इमरान खान हुकूमत की जानिब से खुलेआम की गई धांधलियों को लेकर सियासी कोहराम मचता रहा। पोलिंग के रोज शदीद फायरिंग में दो सियासी कारकुनों के बहिमाना कत्ल के बाद अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज दसका पहुंची और उन्होंने वोटर्स को खौफ हिरासा और तकरीबन दो दर्जन पोलिंग अफसरान को अगवा करने के लिए वजीर आजम इमरान खान और हुकूमती एजेंसियों को कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पार्टी PTI की हुकुमरानी वाले पंजाब सूबे में पार्लिमानी हलका नंबर 75 में जिमनी इंतखाबात में धांधलियों के लिए जमकर तानाशाही हरबे इख्तियार किए। वोटर्स को खौफ और हिराशा करने के लिए सरेआम गोलियां बरसाकर सियासी कारकुनों को हलाक और जख्मी किया, लेकिन तमाम तानाशाही हरबों के बावजूद अपोजिशन पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सियासी कारकुनों और वोटर्स हौसला पस्त नहीं हुए तो सियालकोट जिले दसका कस्बे में तकरीबन
दो दर्जन पोलिंग ऑफिसर्स को बैलेट बॉक्स के थैलों समेत अगवा कर लिया गया। लिहाजा अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने जिमनी इंतखाबात के दौरान दसका में पोलिंग के रोज की गई भारी धांधलियों के लिए वजीर आजम इमरान खान और एजेंसियों को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल पीटीआई इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं, और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं, मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये खुद सच बता दें और मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हकायक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे। मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है तो उनको गैर जानिबदार होना चाहिए, और इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिकल जो मैदान है, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है, सियासी हिकमत अमली है, उसमें न सिर्फ ये कि दखल अंदाजी करना बल्कि एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक नाकाम खान को, वोट चोर को सपोर्ट करना जो खुलकर अवाम के सामने आ चुका है, जिसने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, एक ऐसी हुकूमत को दवाम देने की कोशिश करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए कोई एफर्ट्स करना, अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के सामने आके खड़े होने वाली बात है जो कि किसी भी तरह अदारे के लिए अच्छी नहीं है। किस तरह उन्होंने पोलिंग के थैले ही, वोट्स के थैले ही उठा के भाग गए, और आप उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या नाम है उसका, वो जो एक तसद्दुक हुसैन है, उसने भी ये गवाही दी है, उसने गले में अपना कार्ड भी पहना हुआ है, उसने अपना नाम और पोलिंग स्टेशन नंबर भी बताया है, और उसने कहा कि हमें ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं दूसरी गाड़ियों में बैठो और मतलब अगवा हो जाओ। इसी तरह वो जो वोट चोर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर PTI का कारिंदा पकड़ा गया है, वो वोट का थैला चोरी करके फरार हो रहा था, उसको रंगे हाथों पकड़ा है, और वो सब वीडियोज़ अवाम के सामने हैं। आखिरकार पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पंजाब सूबे के पार्लियामेंट हलका NA-75 के लिए दसका में पोलिंग के दौरान खुलेआम हुई चुनावी धांधलियों के मद्देनजर नतायज को कलदम करार दे दिया है, और NA-75 के पूरे हलके में दोबारा इंतखाबात 18 मार्च को कराने की तारीख का ऐलान कर दिया है। ताहम अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग N ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हुए चुनावी धांधलियों में मुलव्विस इमरान खान की हुकुमरान जमात PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी कर दिया है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में पीने के पानी से महरूम मुहाजिर खानदानों में गम गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। भारत और पाकिस्तान के माबेन DGMO सतह पर टेलीफोनिक राबिता होने की खबरें आईं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के माबेन टेलीफोन पर राबिते की तस्दीक की, और दोनों मुल्कों के दरमियान कंट्रोल लाइन पर 1987 से जारी जंगबंदी मुआहदे समेत तमाम बाहिमी मामला बातचीत से हल करने की सिमत में आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सच्चाई का एतराफ़ किया कि 2003 में दोनों मुल्कों के माबेन सीज़फ़ायर मुआहदे को मजीद मजबूती दिए जाने के बावजूद पिछले दो बरसों में खिलाफ वर्जी की वारदातें बढ़ीं।
पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी की जानिब से फ्रांस के खिलाफ की गई मुतनाज़े तकारीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बेहद कशीदा हो गए। सदर आरिफ अलवी ने मजहबी आज़ादी और अकलियतों के हकूक पर पाकिस्तान में मुनाकिदा एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी पार्लियामेंट में शिद्दत पसंदी पर लगाम कसने के लिए मंजूर किए गए बिल को पूरी इस्लामी उम्मत के खिलाफ साजिश करार दिया। नतीजतन फ्रांस की वजारत खारजा ने पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी की बयानबाजी को अपने अंदरूनी मामलात में बराए रास्त मदाखलत बताया और फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर को तलब करके सख्त एतराज जताया। काबिले गौर है कि फ्रांस में गुज़श्ता साल इस्लामी शिद्दत पसंदी के जुनून में हुए दहशत गर्दाना हमलों के मद्देनजर फ्रांस हुकूमत में इस पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के कानून लाए गए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में एक डॉग शो के दौरान दो ग्रुपों में हुए आपसी झगड़े के बाद भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के नतीजे में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर बसंत फेस्टिवल के दौरान खुलेआम फायरिंग करने वाले दोनों ग्रुपों के लोगों को गिरफ्तार करके मामला रफा दफा करवाया। लाहौर के मकामी बाशिंदों ने कहा कि हर साल जश्न बहारा फेस्टिवल की तकरीबात के दौरान डॉग शो का वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन बासर अफराद की आपसी लड़ाई ने इस बार सारा मजाक किरकिरा कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के लीडरों के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए हैं। ये सच्चाई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी की हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के हालिया दौरे में सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर पहुँचने पर पीटीआई के पार्लिमानी लीडरान का हंगामी इजलास तलब किया, लेकिन पाकिस्तानी सीनेट के आइंदा इंतखाबात पर सियासी तबादलाए ख्याल करने के लिए बुलाए गए इस इजलास में पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों के तकरीबन 1.5 दर्जन अराकीन शामिल नहीं हुए, जबकि नौ शहरा में जिमनी इंतखाबात में पीएमएलएन की शानदार जीत के बाद वजीर दिफा परवेज खट्टक के भाई लियाकत खट्टक और सुल्तान महमूद पीटीआई से पहले ही बरतरफ हो चुके हैं। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायज़ा लेते हैं कराची में पानी की शदीद किल्लत को लेकर मच रहे हाहाकार का। पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदों खासकर मुहाजिरों का कहना है कि सिंध में अपोजिशन पार्टी पीपीपी की सूबाई हुकूमत की वजह से उन्हें पूरे साल ही बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक से महरूम रहना पड़ता है, लेकिन मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही उनके साथ बिजली और पानी की सप्लाई में इम्तियाजी सलूक मजीद बढ़ जाता है। ये मंजर है पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी और पोर्ट सिटी कराची का। पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत को लेकर यूं तो चारों सूबों में हाहाकार मच रहा है, लेकिन मौसम गर्मा के आगाज के साथ पाकिस्तान में सिंध सूबे की राजधानी कराची के लोगों को पीने तक के लिए पानी मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हुक्काम ये दावा करते हैं कि शहर के 3 करोड़ लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए उनके 14,000 मुलाजमीन रात दिन मुस्तैद रहते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड के दावों के बरक्स कराची में बूंद बूंद पानी के हुसूल के लिए लोगों को लंबी लाइनों में अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिस तरह गवर्नमेंट गरीब को पीसा जा रहा, मारा जा रहा है, महंगाई पे होती जा रही है, पानी का इनको तकलीफ है पानी की, किसी को बड़े को बताए कोई जितने भी लीडर बने हुए हैं अभी, इनको किसी को पानी की तकलीफ है तो कोई एक बता दो मुझे, एक कोई लीडर बता दो कि इनको पानी नहीं मिल रहा है, या इस तरह से डब्बे लेके लाइन पे खड़ा हुआ है, कोई लीडर बताओ, एक कोई है इस तरह का, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, मौज कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों रुपया तनख्वाह मिल रही है। हम हुकूमत से यही चाह रहे हैं मुझे पानी आ जाए, मेरे गली में 20 साल हो गया पानी नहीं आ रहा, हम लोग पानी के लिए बेजार हैं, गली इतनी दबी हुई है मैं टंकर भी नहीं गिरा सकते, टंकर भी गिराते हैं तो खारा मिला के देके जाता है, खारा मिला के देके जाता है, तो हम कहाँ जाएं आप बताएं, खारा पानी पिला सकते हैं, बच्चों को बीमार कर सकते हैं। कराची के बाशिंदों का कहना है कि वाटर बोर्ड में बदउनवानियों का बोलबाला उरूज पर पहुंच गया है, लिहाजा वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की सांठगांठ की वजह से पूरे कराची शहर में पानी टैंकर माफिया मनमानी कीमतों पर पानी फरोख्त कर रहे हैं और उन्हें मजबूरी में उनसे पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
वाटर बोर्ड की तरफ से कराची में पानी सप्लाई पाइपों की मरम्मत के लिए जगह जगह गड्ढे तो खोदे जाते हैं, लेकिन इसके बाद लंबे अरसे तक कोई खैर खबर लेने तक नहीं आता। 10-10 दिन पानी नहीं आता, कोई पूछने के लिए नहीं आता। ये गड्ढे खोद के गए पूरे इलाके के अंदर, उसके बाद नहीं पता कि इसमें होना क्या था भाई, किसी की कब्र बनानी थी या पानी की लाइन डालनी थी इसके अंदर, अभी तक गड्ढे खुदे हुए। यूं तो पूरे कराची शहर में ही पानी की शदीद किल्लत को लेकर मकामी बाशिंदे परेशान हैं, लेकिन सितम जरीफी ये है कि कराची में पानी की फराहमी में सबसे ज्यादा सौतेला सलूक गरीब मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों से किया जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है सिंध में सूबाई हुकूमत चलाने वाली PPP और मुहाजिरों की पार्टी MQM के दरमियान सियासी रस्साकशी की रिवायत। मुतासिरा मुहाजिरों का कहना है कि बिजली और पानी के बिलों की वक्त पर अदायगी के बावजूद उनकी रिहायशी बस्तियों से इम्तियाजी सलूक किया जाता है। पानी जो खरीद खरीद के हम लाते हैं, पानी टैंकर मंगवाते हैं, टैंकियों में डालते हैं, बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पर। घर में जो है आदमी होते नहीं है, जाहिर सी बात है वो काम पे गए हुए होते हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम होता है कि पानी भरने के लिए फिर हम लोग कहाँ जाएं। सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों को बिजली और पानी की फराहमी में इम्तियाजी सलूक को लेकर MQM के लीडरान हमेशा से आवाज उठाते आए हैं। यही नहीं, जमाते इस्लामी भी कराची में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे कर चुकी है, लेकिन कराची में बिजली पानी के लिए आवाज उठाने वाले लीडरों और सियासी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हुकूमत तानाशाही हरबे इख्तियार करती रही। यही वजह है कि हुक्मरानों को शर्मसार करने के लिए मुजाहिरीन अब अजीबो गरीब तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।